हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये कैरेक्टर जो होती है वो एक इम्प्रेस होती है जो कि अपने ही मंत्रियों को उसकी जगह पे साइन करने के लिए, उन्हें रिजाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि इसके मिनिस्टर्स ने उसकी परमिशन के बगैर उसकी जगह पे हस्ताक्षर किए होते हैं। अब एक और लड़की वहाँ पे अपेयर होती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे ऐसे लक्षण है जो किसी महारानी के तो नहीं लगते। अब यहाँ पे हमें उन दो लड़कियों के बीच का राज पता चलता है और वो ये होता है कि इस पूरी जगह की महारानी सात्सुकी होती है, जो कि अपनी ही एक दासी को, जिसका नाम बेलिन है, उसे अपनी जगह पे बिठाती है, क्योंकि सात्सुकी काफी बीमार है। उसे एक ईवल कर्स है जो उसकी फैमिली से मिला है और ये ईवल कर्स उसे उसके फादर से मिला है, जिसमें हमें पता चलता है कि सात्सुकी को कर्स का इलाज अब तक नहीं मिला है और बहुत सारी कोशिश करने के बाद वो अब हार गई है और अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब तक उसे उस कर्ज को दूर करने का सॉल्यूशन नहीं मिला है, जिस पे उसके दासी उसे हिम्मत ना हारने को कहती है और एक अंतिम बार प्रयास करने को कहती है, इस उम्मीद में कि उन्हें उसके ईवल कर्ज का इलाज जरूर मिल जाएगा। अब हमें सात्सुकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो काफी छोटी होती है और उसके अपने फादर ही उस फैमिली का ईवल कर्ज उसके ऊपर थोप रहे होते हैं, ये कहते हुए कि फादर तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और मेरे बस बचने का एक ही उपाय है कि उस ईवल कर्ज को अब तुम ले लो। अब उस अभिशाप की क्या कहानी होती है ये आगे हमें एपिसोड में पता चलेगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सात्सुकी एक अंतिम प्रयास करने के लिए उस ईवल कर्ज के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। अब इस जर्नी में उसे कई दिन लग जाते हैं और उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। अब उस जगह से निकलने वाली तेज एनर्जी को देखते ही उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसे वहीं ले जाएगी और उसे अपने ईवल कर्ज का इलाज वहीं पे मिलेगा। अब ये एनर्जी जहाँ फूट रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल सेक्ट ही होता है, जहाँ पे लाइला अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही होती है और ये एनर्जी उसी के थ्रू निकल रही होती है। अब उस एक्सेसिव एनर्जी को निकलता देख बाकी के डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, जहाँ हम प्रिंस होनजी को देखते हैं जो कि अब भी अपने टीचर ज़ियांग की नकल कर रहा होता है, जिसे देख के ज़ियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कब तक मेरी इसी तरह से नकल करता ही रहेगा। अब आगे सारे डिसाइपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि जो शिन है उसने सेक्ट में आते ही लगातार एक पे एक वो ब्रेक थ्रू करता ही जा रहा है और वो बस थोड़ी ही दिनों में सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही ज़ियांग फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि क्यों न मैं इसे ही अपना टीचर बना लूं, क्योंकि ये मात्र एक इकलौता ऐसा बंदा है जो कि अपने टीचर से इतने ज्यादा सुप्रीम लेवल पे है और मैं इसका टीचर होते हुए भी अब तक ची गैदरिंग के बस लोवेस्ट लेवल पे हूँ। जिसपे तभी उसके सिस्टम बताती है कि उसने एक न्यू डिसाइपल को डिटेक्ट किया है और होस्ट को जल्द से जल्द इस नए डिसाइपल को अपने सेक्ट में भर्ती कराना होगा। इसके लिए उसे मात्र 3 घंटे दिए जाएंगे और अगर वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो एज अ रिवॉर्ड उसे अपने सेक्ट बिल्डिंग के लिए एक सतुरा पैवेलियन दिया जाएगा, और अगर 3 घंटों के अंदर वो इस नए डिसाइपल को नहीं रिक्रूट कर पाता तो फिर एज अ फेलियर उसे अपने सारे के सारे बाल खो देने होंगे। उसके सिस्टम फिर से उसे धमकी दे रही होती है कि उसे अब गंजा होना होगा। अब हेयर लॉस का सुनते ही जल्द से जल्द ज़ियांग निकल पड़ता है उस नए स्टूडेंट की तलाश में। अब आगे इधर हम शिन को देखते हैं जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके प्रैक्टिस करने के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है सीधा उस उड़ती हुई शिप पे जाती है जिसपे सात्सुकी सवार थी। अब यहाँ शिन द्वारा निकली गई उस एनर्जी से पूरी वो फ्लाइंग शिप जल जाती है और क्रैश होते हुए सीधा उनके इमॉर्टल सेक्ट पे ही लैंड करती है, जिससे वहाँ के डिसाइपल्स की जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी वो पूरी तरह से क्रैश हो जाती हैं। देख के हेतिन पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है कि उसका प्यारा सा झोपड़ा टूट गया, इसीलिए वो सात्सुकी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सात्सुकी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उसे एक झटके में वहीं ढेर कर देती है। और अब अपने क्लासमेट का बदला लेने के लिए जैसे ही जुआन आगे बढ़ता है, यहाँ बेचारा हेतिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि उस लड़की से पंगा मत लो, लेकिन 1 सेकंड में ही वो वापस आके हेतिन के पास ही गिरता है। अब ये देखते हुए वो जो प्रिंस होता है, पहले तो वो एक लंबी चौड़ी यहाँ डायलॉग बाजी करता है, उसके बाद अपने साथियों का बदला लेने के लिए वो सात्सुकी पे अटैक करने लगता है। यहाँ वो सात्सुकी के तलवार से अटैक का जवाब अपने डंडे से दे रहा होता है, लेकिन सात्सुकी की तलवार के आगे वो ब्रांच कब तक टिकने वाला था वो टूट जाता है। आगे सात्सुकी उसे कहती है कि तुम अपने फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज पे हो और मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, कि इतने में हम इमॉर्टल सेक्ट वालों की एकता को देखते हैं। जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ ये कहते हुए कि हम तीनों के अर्ली स्टेजेस का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगी। वो सभी के सभी सात्सुकी पे टूट पड़ते हैं और अपने ब्रांचेस से जो उसे कूटने लगते हैं, वो उसे इतना मारते हैं कि उसे अधमरा कर देते हैं। आगे सीन चेंज होता है और इसकी खबर सिस्टम यहाँ ज़ियांग को देती है कि उसकी नई डिसाइपल को इतना मारा जा रहा है कि अगर होस्ट उसे नहीं बचा सका तो वो वहीं मर जाएगी। अब आगे जैसे ही ज़ियांग वहाँ पहुँचता है अपने सारे डिसाइपल्स को रोकता है वो सात्सुकी को मारने से,
और उन सभी को वो क्लास लेता है ये कहते हुए कि इमॉर्टल सेक्ट के बंदों का ये तरीका तो नहीं है कि वो इस तरह से किसी की पिटाई करें। आगे उसकी सिस्टम उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि यही उसकी नई डिसाइपल है जो कि एक एम्प्रेस भी है। ये जान के ज़ियांग काफ़ी खुश हो जाता है कि आपकी बार एक महारानी उसकी डिसाइपल बनी है। अब आगे ज़ियांग उसका नाम पुकारते हुए कहता है कि महारानी काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आई हैं। अब ये जान करके सारे चौंक जाते हैं कि यहाँ टीचर को सासुकी के बारे में सब कुछ पता है। आगे यहाँ ज़ियांग लायला को ये ऑर्डर देता है कि इसकी स्पिरिचुअल बोर्ड को जाकर रिपेयर करो, जिसमें सारे डिसाइपल्स यहाँ ज़ियांग से ही सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो एक आउटसाइडर की मदद क्यों कर रहे हैं और क्यों चाहते हैं कि हम उसकी बोर्ड को फिक्स करें। जिसमें हेतिन फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि आखिर टीचर क्या चाहते हैं। वो हमसे इसलिए स्पिरिचुअल बोर्ड को रिपेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम इसके बारे में सीख सकें। साथ ही ये स्पिरिचुअल बोर्ड यहाँ से हटेगी तभी तो हम अपनी झोपड़पट्टी को वापस से रिपेयर कर पाएंगे। अब आगे ज़ियांग सासुकी को अपने साथ बुलाता है। यहाँ सासुकी उसे कई सारे सवाल करने लगती है, साथ ही अपनी ईवल कर्स के बारे में भी उससे पूछने लगती है कि इसका इलाज क्या है। जिसपे ज़ियांग मन ही मन सोचने लगता है कि इसके बारे में आखिर उसे कैसे पता होगा। आगे सासुकी उसे इमॉर्टल कहते हुए कुछ एडवाइजेस उससे मांगती है, जिसपे ज़ियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूं, कुछ इसके बारे में हिंट तो दो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। अब ज़ियांग उसके कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसे एक आइडिया सोचता है और वो फिर से सासुकी के अपने साथ चलने को कहता है। सासुकी यहाँ कन्फ्यूज हो जाती है कि आखिर ये फिर से मुझे कहाँ चलने को कह रहे हैं। तो ज़ियांग उसे उसी प्रैक्टिस रूम के सामने लाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसके अंदर तुम्हें जाके मिल जाएंगे और एक बार तुम इसके अंदर चली गई तो तुम्हें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब आगे सासुकी को उस प्रैक्टिस रूम में ढकेलते हुए ज़ियांग जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर देता है और उसकी लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए वो सी ऑफ सफरिंग में झांकने लगता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस प्रैक्टिस रूम के अंदर एक पर्सन को उसके अंदर के डर का सामना करना होता है। अब जैसे ही सासुकी अंदर जाती है उसे अपने डर के रूप में उसके फादर दिखते हैं, जो उसे एक ईविल वे में कह रहे होते हैं कि आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। अब आगे यहाँ हमें पता चलता है कि सासुकी के फादर को एक ईविल कर्स होता है, जिसे हटाने के लिए उसने सासुकी के कई सारे भाई बहनों को सेक्रीफाइस किया था और इसी तरह से अपने आप को अमर रखने के लिए और नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उसने अपने आने वाले हर बच्चे की आहुति दे दी थी। और सासुकी को भी वो ऐसा ही करने को कह रहे होते हैं कि जैसा कि तुम्हारे भाई बहनों ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, अब तुम भी उसी तरह से अपना बलिदान दो। लेकिन यहाँ सासुकी उन पे अटैक करने लगती है ये कहते हुए कि पहले भी एक बार आप मुझे मार चुके हैं तो दोबारा मैं आपको ये मौका नहीं दूंगी। अब आगे सासुकी उससे लगातार फाइट करते हुए उस तलवार को उनके सीने के आर पार कर देती है। दूसरी तरफ ज़ियांग इस पूरे ड्रामे को काफी एक्साइटेड होते हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी हम सासुकी के फादर को देखते हैं जो कि वापस से जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि एक डर की तो मृत्यु नहीं हो सकती। आगे वो सासुकी से कह रहे होते हैं कि तुमने अपने ही फादर को मार डाला तो आखिर तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस रह गया, और यह हमारी वो फैमिली का ब्लड कर्स है जो कि एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता है, और जबकि तुम मेरी बेटी हो तो तुम भी इस कर्स से नहीं बच पाओगी। अब ऐसा कहते ही सासुकी के फादर उसे टच करते हैं और अब उसे पूरी तरह से पॉजेस कर चुके होते हैं। अब ये देखते ही ज़ियांग तुरंत ही सिस्टम को शट डाउन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सासुकी पूरी तरह से अब पॉजेस हो चुकी थी। उसके फादर पूरी तरह से अब उस पे सवार हो चुके थे और जैसे ही ज़ियांग यहाँ पे उसे रोकने के लिए जाता है, सासुकी एक जोरदार किक उसे लगाती है, जिसे ज़ियांग को अब समझ में आता है कि उसने यहाँ पे आने में थोड़ी देर कर दी है, क्योंकि सासुकी के जो अंदर का डर है वो पूरी तरह से उस पे हावी हो चुका है। जिसपे ज़ियांग की सिस्टम उसे बताती है कि कर्ज के ट्रांसफर होने के कारण उसकी बॉडी के जो ब्लड कर्ज मैडनेस है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। जिसपे ज़ियांग अपने सिस्टम को डांटते हुए कहता है तो तुम ये बात मुझे यहाँ आने से पहले ही बता देती। जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि उसने इस तरह का ड्रामेटिक इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसीलिए इस तरह के टिप्स वो होस्ट को देने में देर कर रही है ताकि वो कुछ एंटरटेनमेंट ले सके। आगे हम देखते हैं कि सासुकी पर पूरी तरह से पागलपन सवार हो जाता है और वो बस एक ही बात रटने लगती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे वो लगातार ज़ियांग पे अटैक करने लगती है, जिससे बेचारा जैसे तैसे बचते हुए भाग रहा होता है। जिसपे ज़ियांग को उसकी सिस्टम बताती है कि एक बार ब्लड कर्स एक्टिवेट हो जाने के बाद ये अंडन नहीं किया जा सकता। अब आगे ज़ियांग उठ खड़ा होता है और यहाँ पे सासुकी से कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है पावर ऑफ गॉड यूज करने को। लेकिन जैसे ही वो एक तलिस्मान निकाल कर उसकी तरफ फेंकता है, हम देखते हैं कि वो तलिस्मान एक्टिवेट होने से पहले ही फूस हो जाती है और अब ज़ियांग के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो इतने में ही दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है। और अनफॉर्चुनेटली इसी के साथ ये एपिसोड को भी फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।